झाड़ी है ना, ये इसमें जो ये फल से लगे हैं ना, इसका नाम कश्मल है। अपनी भाषा में बोलते हैं हम इसको कश्मल, और कश्मल से पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश पक्के तो में, नहीं है, पर क्या है ना, अभी तो ये कच्चे हैं। कच्चा है, ये देखना ये बिल्कुल कच्चा है, जब पकता है ना इसका पर्पल मतलब जैसे कलर कलर, का हो जाएगा, हाँ जैसे पर्पल या ब्लैकनेस सी आ जाती है ऐसे इसमें। और जैसे कोई ये, झाड़ी हाँ मिल जाएगी आगे जिसमें पक्के मिल थोड़ा जाएंगे। ऐसे हो ना जाता है, ये नहीं देखिए इससे भी दोस्तों, डार्क कलर हो हाँ जाता है, ये इससे भी डार्क हो जाता है शायद, ये दिखाना, ये देखना, जंगली काफी फ्रूट इससे है। भी डार्क हो जाता है इसका कलर, पर खाने में ना बड़े खट्टे मीठे होते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं खाने में, और हम तो बचपन में इसको इतना खाते थे ना कि अपनी जीभ में वैसे कलर वाली जीभ हो जाती थी, ये ब्लैक क्या सी। है? ये और ये देखना इधर को, इसको हम हिंसर बोलते हैं अपनी भाषा में, और डोगरी में शायद इसको ना क्या बोलते हैं, आंखे, आंखें बोलते हैं और इसको। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूबस इलिप्टिकस। हाँ देखो कितने रूबस नाम है इसके, इस इलिप्टिक फल के भी एक, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम और है पता क्या है ना, ये जितने देखने में अच्छा, खाने में अच्छा है, और ये, ये सेहत के लिए भी अच्छा है, कई चीजों जुकाम में। वगैरह, हाँ हाँ कई खा लो खा चीजों लो खा लो में। खा लो। लो आप भी खा लो, वाह वाह, खड्डे में खाइए क्या है ये, अभी टेस्ट हाँ नहीं आप खा लो, है सही में बड़े टेस्टी है। हम करना कभी आते हो तो ऐसी कभी चीजें। भी पहाड़ों में आओ ना तो इन चीजों का तो खूब फायदा उठाओ। शिकड़ी शिकड़ी टेक के भाई, धीरे धीरे चलना, वैसे कृष्ण रास्ता तो भाई यहाँ भाई थोड़े पके हो गई है, हाँ यहाँ ये भी थोड़ा कच्चा ही है, आगड़ू दिखाई है है तो तो कच्चा ही है, ये भी पक्का तो नहीं है, ये अभी माय गॉड, ढंग से चलना ना भी थोड़े थोड़े। पहाड़ों के रास्ते हैं। बड़ा बाप रे और भी बाप, है कई फ्रूट है दूसरे जो पे, एक उनके लिए पता क्या, वो क्लास बाकी तो में सब है, ठीक है अपनी भाषा में तो क्लास लेकिन में होते हैं, रास्ता पर वो मिल नहीं रहे जबरदस्त। हैं हमको, कभी मिलेंगे तब दिखाऊंगी। ये जब छोटा था ना ऊंचे बचपन में, ऊंचे इतनी खाता था ना हम, ढंग का, आप देखते रह खाते जाओगे इसको थे ना हम घर से, आदमी। ये पाइपलाइन भी इसमें से गुजर रहा है ढंकार में से, कैसे ले गए होगे लोग। हाँ देखो तो पानी कैसे कैसे लेके जाते, और ये पानी भी भैया उतना ही स्वच्छ शुद्ध और ठंडा, इतना पी रास्ता लेते हैं एक भैया। फीट से ज्यादा नहीं है, हाँ संभल के चलना है। है तो खैर भाई, मुझे और हाँ? रजत को दिया था ये, ये मैं रजत भी को अब अंडे और इसके दिए थे लाने के लिए, और लिए रजत शर्मा अंडे फोड़ गए, अब अंडे का अंडे ये लिफाफा ही फोड़ छोड़ दिया दिया अब इन्होंने। इसकी क्या खैर होगी घर में जाके, पता नहीं क्या होने वाला है। सामने चौपाल भी नजर आ रहा है पूरा, हाँ ये चौपाल है सामने वाला, बीच वाली जो सबसे लास्ट वाली पहाड़ी के जो मेरी तरफ की पहाड़ी है ये चौपाल की है। मंदिर दिखाई दे रहा है इधर नाग देवता का, बीच में ये घुरला का विलेज है, इसके भी सेबों को अच्छी तरह से कवर किया है लोगों ने। सेब जरूरी नहीं है हर जगह हो जाए, हर जगह सेब नहीं होता, इसके लिए भी लैंड चुनी जाती है। आप देख पा रहे होगे हर जगह भी नहीं है सेब। ये फ्लावर को भी काफी पसंद किया जाता है इधर, इसमें बीज भी लगते हैं ना, बीज, पर इसका नाम क्या है, इसको हमने कहा इसको टिम्बर पहाड़ी बोलते, भाषा में कूजा बोलते हैं। अच्छा कूजा है ये, टिम्बर कूजा तो बोलते दूसरा हैं, होता है, टिम्बर तो दूसरा होता है, लेकिन इसके भी कांटे काफी नुकीले कांटे होते हैं पर इसमें भी। फूल देखो कितना ये सुंदर है, देखिए देखो आप ना कांटे है कैसे ना, होते हैं इसमें, लेकिन इसको इसमें आ बीज जाओ भी ना मुझे लगते मिलने, हैं, आ जाओ फिर तो अंधेरा हो बीज भी जाएगा, लगते हैं, ठीक है सीड्स भी लगते हैं इसमें, ये इस प्रकार के सीड्स भी लगते हैं। ये वाला देखो कूजा, कितना भरा पड़ा है ना यहाँ पर, इसको अब भी ये जो भी आंखें बता रहे आंखें थे है ना जो हिंसर, ये हिंसर देखिए आप, बोलते हैं उनको आंखें, ये इसको भाई, बहुत टेस्टी फ्रूट होता है और कई बीमारियों का भी इससे इलाज होता है। अब इस साइड में छोटे छोटे थे ना सेब हम तो वगैरह पूरा नहीं ना है, गिलास भर के लेके ये आते थे छोटे छोटे स्कूल में, मंदिर स्पेशल है, जाते थे घर से, लंकड़वीर और नरसिंह देवता, जो कौन से उसको नरसिंह जब अवतार हुआ था किसको मारा था, नरसिंह वो उसको हिरण्यकश्यप ये को मारा था, छोटे छोटे और मंदिर प्रहलाद है ना, प्रहलाद था अलंकड़वीर ना का उधर, और और हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकशिपु को मारा था। हिरण्यकश्यप था और हाँ प्रहलाद उनका बेटा था। ये पॉपुलर का पेड़ है, साथ में कायल का पेड़ है,
रास्ते तो रास्ते हैं, काफी सकरे रास्ते यू बना हुआ है। आप देख के आना, मैं नीचे भी देखना रास्ते। हाँ जी हाँ जी, चिंता नहीं करो आप, ऑप्शन खुले हैं, ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू। ये बीज भी लगे हैं इसमें जो पेड़ है, तो आपके लिए ज्यादा खुले हैं, हमारे लिए खुले। ये आदमी तो चाहता ही है कि बस फिसल जाए तो ठीक है। ये कैंथ है, इसको कैंथ बोलते हैं। अभी मुझे छलांग लगानी पड़ेगी अगर इसको आपसे मुआयना करवाना है आपको। दो नीचे बहुत नजदीक से मैं मुआयना करवाता हूँ, आपको थोड़ी वीडियो क्वालिटी खराब हो जाएगी, उसमें माफ करना आप। ये इसको कैंथ बोलते हैं, ये भी पकने के बाद बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और बहुत मीठा हो जाता है। इसमें अगर आप ग्राफ्टिंग करते हैं ना, इसमें ग्राफ्टिंग पता किसकी होती है, पियर्स की ग्राफ्टिंग होती है इसमें। अभी मैं रास्ते से आ गया नीचे, अब ऊपर कैसे जाना। ये भी नीचे वो भी काफी, ओ माय गॉड, आ गया जी मैं रास्ते में। काफी रास्ता तो देखते ही बनता है, एक फिट जूता लगाएंगे ना ऐसे को तो एक ही फिट है। लोगों ने पता नहीं कौन से नाले से लाए होंगे बेचारे, पानी का पाइपलाइन जा रहा है गांव के लिए, खुद का मेहनत है लोगों का। गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटी है लेकिन इतना पानी नहीं हो पाता है। ये भी मंदिर, छोटे छोटे लोगों का आस्था। जय हो लंकड़वीर भगवान, जय हो नरसिंह देवता, जय हो कालू देवता, ये देवता हैं यहाँ के। मंदिर बने हुए हैं जगह जगह में, ये देख लीजिए आप मंदिर, लोगों की आस्था है इनके प्रति। ये नीचे क्यारनू, इधर डोर, ऊपर पौड़िया, इधर द्याल्डी और इधर रानवी, और ये सामने नागवा, ये भी फॉरेस्ट है। चलो जी चलो, थोड़ा तेज करो, सफर काफी लंबा है। जो ठीक करते रही दो तो आकड़े। ये लो जी पेड़ों में चढ़ गए ये फूल ऊपर तक। ये है वो क्या बोलते हैं इनको, खेती ये जो होती है सीढ़ी टाइप, सीढ़ी टाइप खेती ये बनाई है दीवाल दे दे के लोगों ने। इसमें फिर सेब लगेगा, मतलब पहाड़ी को काट काट के बनाया गया है। ये भी पत्तियां होती है जिसको जो बकरे बकरियां हैं बहुत पसंद करते हैं, इसमें से भी दूध निकलता है पता है, इसमें से दूध निकलता है। अगर हम आप इसको तोड़ के देखेंगे, ये जो टहनी है इसमें से दूध निकलता है दूध। ये देखिए आप, ये देख रहे आप वो वाइट कलर का, ये इसमें से दूध निकलता है टहनी में से। मैं आपको हाथ में लगा के देखता हूँ, ये देख लीजिए आप, फिर से फ्लावर, नेचुरल फ्लावर है, लोग लगाते रहते हैं ना, लेकिन यहाँ पे नेचुरल है। ये है, ये क्या बोलते हैं इसको, कायल का पेड़ है ना, ये उसका वो लगा है, पता नहीं कायल का है, कायल का ही है, देवदार का दूसरा था, कायल 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 का पेड़ है। ये बीज लगा है, इसके अंदर बीज होते हैं, उसको खाते भी है ना। अरे कायल ही रोटी रोटी, हाँ हाँ कायल, वो दूसरा देवदार होता है, ये कायल ही, कायल ही है। पुराने सीड्स भी है इसमें, लेकिन फूल बहुत सुंदर है इसका। रजत क्या नेम है, साइंटिफिकल नेम इस फूल का, इस फूल का कूजा बोलते हैं इसको, लेकिन असली नाम का मुझे भी पता नहीं है इसका। इसका नाम सर्च कर जरा उसमें, बताएगी कि इसका नाम। ये भी है एक नीचे, इसको भी खाने के लिए यूज करते हैं, और करिए जी,
ये भी खाने सही में है। यूज हाँ होता हाँ है, ये बड़े मीठे होते हैं इसको भी खाने के खाते हैं लिए ना। लोग। मैं एक अभी मिनट देखिए सेकंड आप देखा, ये ऐसे लिया और बड़े मीठे बड़े टेस्टी है। ये इसको ऐसे खाते हैं, ये तोड़ दिया, ऐसे लिया और ऐसे खाते गए अलग है खा ये रही वो मुंह से के। डायरेक्ट मैं ऐसे तो नहीं डायरेक्ट खाना ऐसे ही। चाहिए, कुछ भी हो सकता है इसमें। ये देखिए ये भी खाने की चीज है, तो पहाड़ों में कई कुछ है खाने के सही लिए, लग है रहा, ना। टेस्टी है, बड़ा मीठा है। ये एप्रिकॉट का प्लांट है। चलो जी, देखा इसका नाम, इसका नाम नहीं आ पा रहा। चलो नाम बाद में दिखाएंगे आपको, या फिर आप खुद ही भी देख सकते हैं। ये नीचे दिखाई दे रहा है, ये रोड विलेज को ही जा रहा है, विलेज बज रोड के लिए। ये भी कैंथ का ही पेड़ है। बजरोट तो रह गया ना थोड़ा, बजरोट तो सारा बजरोट ये कटिंग पड़ी है क्या, थोड़ा ये नीचे वाली एरिया डेंजरस रह गया रास्ते, बजरोट का। एक बार फिर ये सही बात है। आंखे नाम का जो फ्रूट है उसके प्लांट्स, झाड़ी, बुशेस, बेरी। काफी सुंदर जगह है, यही गया ना नीचे वाला रोड बजरोट के लिए। हाँ के लिए नीचे टापरी ये मटर पार से उधर से कट होता है। सारे ये कवर सारा करता है, निचला एरिया है ये। चलो भाई शिगड़ी शिगड़ी गौर कवर ऑल होता है। वे हम थोड़ा जल्दी जल्दी सफर तय करते हैं, अंधेरा भी होने वाला है, नहीं तो इस रास्ते में जाना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप भी आ सकते हो कभी इसे दिन भर तो का आनंद उठा सकते हैं। माय गॉड, अभी ना थोड़ा चलते संभल के आना, चलते नहीं जाओ तो आप, बिल्कुल है चिंता प्रॉब्लम मत है। करो मेरी, आप चलो। चिंता तो फिर और कौन आएगा करने, नहीं चिंता तो आपको करनी भी चाहिए। और कोई चिंता करने वाला तो नहीं होगा। चिंता, चिंतामणि, अंधेरा भी होने लगा है दोस्तों धीरे धीरे, आसमान में भी बादल धीरे धीरे आने लगे हैं। ये एरिया पूरा खाली है, इसमें कोई सेब नहीं है इस तरफ, है ना, इस साइड में कोई सेब नहीं है। सेब के लिए भी लैंड है ना, सेब की भी अलग अलग लैंड होती है। ये आपका एरिया पूरा खाली है, इस साइड में कोई सेब नहीं है, ये आपका पूरा खाली है। सेब लेकिन के उस लिए तरफ इतने वो पूरा जो ज्यादा है, एरिया होता है ना जो वो ये ज्यादा मतलब नेचर मॉइस्चराइजर, होता है, मतलब मॉइस्चराइज। पहाड़ का नेचर ही ऐसा होता है कि एक साइड बिल्कुल खाली रहेगा और दूसरी साइड पूरा पेड़ पेड़ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मॉइस्चर ज्यादा होगा ना वही सेब भी ज्यादा होगा, बिल्कुल ड्राइनेस ज्यादा है वहाँ, फिर वो कम होती है फसल भी माय गॉड। वाती। ये रास्ते में कुल मिला के हमारे को ना आधा घंटा ले लिया रास्ते में पहुंचने के लिए। रजत शर्मा थोड़ा गियर बदलो, ये जल यहाँ पे दिया गया है। जब भी किसी की डेथ ये हो डेथ जाती है होती है तो तो उनका हम ये पूरा एक वो प्रकार लिखा जाता है। से नाला बोलते हैं, इसको नाला देते हैं। अच्छा, अपनी भाषा में नाला बोलते और हैं यहाँ हम, पे और ये जिसकी जो डेथ है हुई ना है इनके भाई, अच्छा इनके बारे में थोड़ा लिखते हमेशा हैं। ओके जन्म तिथि, ओके ओके देहांत कब हुआ है, ओके 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 ये यहाँ पे बेसिकली दिया जाता है। पानी ओके, पीने के लिए दिया जाता है इस पानी पीने के। के, अच्छा आते गुड। जाते लोग ये धर्म का काम करते है, हैं वो थोड़ी देर पुण्य आराम का काम करते है, हैं।
यहाँ पे भी नेपाली लोग रहते हैं। अभी कोई नहीं है, सेब की क्रॉप भी, दरवाजे सारे सेब की क्रॉप भी लगी है यहाँ पे, ये देखिए कहीं कहीं है इक्का दुक्का, इस बार ज्यादा नहीं क्रॉप। नहीं कहीं तो अच्छे भी है किसी किसी पेड़ में थोड़ा। मैन मेड रास्ता, फाइनली हम पहुंच गए। अभी हम घर के पास ही, यहाँ अच्छा क्रॉप है घर के पास अब, है ना। अभी हम नारायण दत्त शर्मा जी के घर पहुंच रहे हैं। ये जो लेफ्ट साइड में ये बोलते हैं। ये गाय के लिए घास लाते हैं ऐसे, ये इसको बोलते हैं किल्टा, इसमें सेबों के लिए भी काम आता है। इसमें ये गाय को बांधते हैं, काऊ के लिए बना है, गाय के लिए बना हुआ है, और इसको ओबरा बोलते हैं। ओबरा अभी खोलेंगे गौशाला, नहीं तो खोल गौशाला, ठीक है। और मटर भी देखो कितने लगे हैं, मटर भी लगाया है लोगों ने, अच्छा मटर हो रखा है। आपको चाहिए दोस्तों तो ले आऊं मैं, एक दो की डिमांड कर दीजिए।